इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी सुन्ना पांडे को गिरफ्तार किया गया है। एमएलसी पर ट्रेन में नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच की ये पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार कोलकाता से गोरखपुर जा रहा था, जहां ट्रेन में एमएलसी ने लड़की के साथ छेड़खानी की। हालांकि एमएलसी अब इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हाजीपुर में पुलिस ने इन एमएलसी साहब को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक लड़की आ रही थी, नाबालिग लड़की आ रही थी, वो सोई हुई थी 46 नंबर बर्थ पे। 43 नंबर पे बर्थ पे टूना जी एमएलसी है सिवान का, वो सोए हुए थे। जैसे सराय स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी तो उस नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए और बाथरूम के तरफ ले जाने का प्रयास किए। वो जो है सो भागी भागी गई, चिल्लाते हुए अपने पिता को बताई। वो लोग सभी आकर के इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराए हैं और उसके बाद टूना जी एमएलसी का विधायक का जो है सो यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। तो बिहार के हाजीपुर से गिरफ्तारी हुई है बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे की। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, पूरी जानकारी दें। देखिए, कल रात की घटना बताई जा रही है, कोलकाता से गोरखपुर की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस आ रही थी कि उसमें एमएलसी जो टुन्ना पांडे हैं बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगाया कि नाबालिग से छेड़खानी की। रात का ये मामला है, जब लड़की चिल्लाई तब उसके परिजनों को इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने तत्काल रेलवे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हाजीपुर से एमएलसी टुन्ना पांडे को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया है और टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और उनके साथ कुछ नोटिस भी जारी कर दिया है।